चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कोई पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरण और नाचते मोर को देखकर रोमांचित होता है, तो कोई तीर्थयात्री पयस्वनी यानी मंदाकिनी में डूबकी लेकर और कामदगिरी की धूल में तल्लीन होकर अभिभूत होता है। एक समय यहाँ अशोक के काफी पेड़ हुआ करते थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, इसे संतों की नगरी भी कहा जाता है। चित्रकूट संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पर्वतीय दृश्यों का अनुपम केंद्र है। प्राचीन काल में चित्रकूट कौशल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वनवास काल में 11.5 वर्षों तक भगवान राम, माता सीता तथा श्री राम के अनुज लक्ष्मण की निवास स्थली रहा चित्रकूट। चित्रकूट सभी तीर्थों का तीर्थ है। ऐसी भी मान्यता है कि प्रयागराज प्रत्येक वर्ष पयस्वनी में स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब प्रभु राम ने अपने पिता का श्राद्ध समारोह किया तो सभी देवी देवता शुद्धि भोज में भाग लेने चित्रकूट आए। वे इस स्थान की सुंदरता से मोहित हो गए थे। चित्रकूट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में एक तीर्थस्थल और एक नगर पंचायत है। भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ा ये धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का एक स्थान है जो बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर है, जिसका मुख्यालय चित्रकूट धाम पास में ही स्थित है। ये शहर ऐतिहासिक चित्रकूट क्षेत्र में स्थित है जो वर्तमान भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विभाजित है। ये हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित कई मंदिरों और स्थलों के लिए जाना जाता है। आधुनिक चित्रकूट से पहचाना जाने वाला चित्रकूट महाकाव्य रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जहां राम को उनके भाई भरत ने अयोध्या लौटने के लिए मनाया था। अत्री, अनुसूया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडेय, सारभन, सुतीक्ष्ण और विभिन्न अन्य ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी आयु व्यतीत की और जानकारों के अनुसार ऐसे अनेक लोग आज भी यहाँ की विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्यारत हैं। चित्रकूट के रामघाट में स्थित तुलसी गुफा आज भी वही अत्यंत पवित्र स्थल है जहाँ महाकवि तुलसीदास जी ने आराध्य प्रभु राम की भक्ति में रमते हुए अपने काव्य रचनाओं को जन्म दिया था, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से हमें समर्पित की थी। चित्रकूट के संत मोहित दास जी के नेतृत्व में तुलसी गुफा की देखभाल हो रही है, जिससे यात्री और श्रद्धालु इस महत्वपूर्ण स्थल का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को तुलसीदास के उपासनीय भगवान श्री राम और उनके आदर्शों के प्रति महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। हम देखते हैं कि यह एक खास स्थल होने के बावजूद मुख्य द्वार की अनुपस्थिति के कारण यात्री अक्सर इसके पास के कई रास्तों में भटक जाते हैं। इससे ये पता लगता है कि हम तुलसी गुफा के प्रमुख प्रवेश द्वार की स्थापना करके इसे और भी खास बना सकते हैं, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के इस पवित्र स्थल का दर्शन कर सकें। और भी ऐसे ही कुछ और मुख्य स्थान हैं जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। उनमें से एक है रामघाट। रामघाट वह पवित्र स्थान है जहां प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता तुलसीदास से मिले थे। दूसरा है हनुमान धारा। हनुमान धारा चित्रकूट में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित पहाड़ियों पर बना है, जिसे भगवान हनुमान को समर्पित किया गया है। भक्तों को दर्शन के लिए 350 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है, तब जाकर प्रभु हनुमान के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि प्रभु हनुमान ने लंका जलाने के बाद इस पहाड़ी से ही छलांग लगाई थी, जिसके बाद गुस्सा शांत करने के लिए वो ठंडे पानी में खड़े हुए थे। यही वजह है कि इस जगह को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ आए तो गुप्त गोदावरी अवश्य जाएं। चित्रकूट शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। बताया जाता है
कि गोदावरी गुफा के अंदर की चट्टानों से एक बारहमासी धारा निकलती है। यहाँ एक अंधेरी गुफा में 15-16 गज भीतर सीता कुंड है। कहा जाता है कि यह चट्टान विशाल दानव मयंक का अवशेष है। माना जाता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम यहाँ रुके थे। जीवन में एक बार यहाँ अवश्य जाएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप किसी और तीर्थ या कथा के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री सीताराम।